देश में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं प्रबल होने की जरूरत समझी। इस दरमियान हमने देखा कि किस तरह एम्बुलेंस, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मरीजों की जान भी जा सकती है। इसी के तहत एम्बुलेंस की जरूरत को समझते हुए कई वर्षों से विभिन्न प्रकार से मरीजों के लिए काम कर रही समर्पण सेवा समिति ने जनता के लिए एक और मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू की, जिसका अनावरण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया। इस दौरान पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए, संस्था के सचिव नरेश दुमान सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित थे। समर्पण सेवा समिति पिछले कई वर्षों से नागपुर शहर में एक मेडिकल बैंक जो कि जरूरतमंदों के लिए चलाया जाता है, और इसका उपयोग करने के बाद में पुनः मेडिकल बैंक में जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे कि पलंग, व्हीलचेयर, वॉकर, वॉकिंग स्टिक, एयर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी चीज़ें जो है एक उपयोग के बाद में लोगों के किसी काम की नहीं रहती, हम इसे पुनः मेडिकल बैंक में इसे जमा करते हैं। कोरोना काल की तकलीफ में जो लोगों को तकलीफ हुई, समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलना, समय पर लोगों का अस्पताल नहीं पहुंचना, ऐसे में कई लोगों की जान चली गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए समर्पण सेवा समिति ने एक एम्बुलेंस लेने का सपना सोचा, जिसे आज हम साकार रूप में साकार कर रहे हैं, और एम्बुलेंस लेकर के जनता के लिए, जनार्दन के लिए हम इसे निशुल्क चलाने का निर्णय समर्पण सेवा समिति ने लिया है।